नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के अजीत यादव को लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। वहीं आज कानपुर में प्रथम आगमन पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। धमला कालपी के रहने वाले अजीत यादव को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक अहम जिम्मेदारी दी है, जिस पर अजीत यादव ने पूरी ईमानदारी और लगन से पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्य करने का वादा किया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। साल पूर्ण हो चुके हैं बीजेपी सरकार को, और जमीनी स्तर पर विकास को लेकर क्या कहना? साढ़े चार साल हो गए हैं, आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है, आप सभी मीडिया के साथी हैं। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार बाबा से पूछना चाहता हूं कि साढ़े चार साल में सिर्फ चार काम ऐसे बता दें जो जमीन पर हुए हों और जनता के बीच में हुए हों। सिर्फ दो चार काम ऐसे हुए हैं, सिर्फ बैनर पोस्टर लगे हैं, ग्लोसाइन लगे हैं, यहाँ से लेके दिल्ली मुंबई तक आपके बड़े बड़े जो जनता की गाड़ी कमाई है, जो जनता के टैक्स के पैसा है, उस पैसे को पूरी तरह से प्रचार में बर्बाद कर दिया गया है। ये सरकार फेकू सरकार थी, जो भारत की सरकार थी, अब भारत की सरकार बेचू सरकार हो गई है, और उत्तर प्रदेश की सरकार में पूरी तरह जंगल राज कायम है। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जनता को पूरी तरह से चूसा जा रहा है। इस तरीके से कौन सा आपको पसंद आया? ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की अनुमति से, और हमारे लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रदीप तिवारी जी द्वारा मुझे लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव का पद दिया गया है। और मैं कालपी जालौन से बुंदेलखंड से आता हूँ, बहुत छोटी जगह है कालपी। मैं समाजवादी पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। और आपके माध्यम से मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार बुद्धि विवेक से समाजवादी पार्टी की नीतियों को, माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को जनता के बीच में बूथ स्तर तक प्रचार प्रसार करने का काम करूंगा। और जब तक मेरे शरीर में जान है, मेरे शरीर का खून का एक एक कतरा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए काम करता रहेगा, जनता के बीच में लगातार काम करूंगा। और ये उत्तर प्रदेश में जो तानाशाही सरकार चल रही है, जो किसान विरोधी सरकार चल रही है, नौजवान विरोधी सरकार चल रही है, जिन भाजपा नेताओं के गुंडे चार पहिया वाहनों से किसानों की हत्या कर दे रहे हैं, ऐसी सरकार जो महिलाओं को उत्पीड़न में नंबर एक है, आप समझिए दवा इस ये कोरोना काल में ये सरकार दवा नहीं दे पाई, कफन नहीं दे पाई, ऑक्सीजन नहीं दे पाई, इस सरकार का बूथ स्तर तक खुलासा करके जनता जो इंतजार कर रही है आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग दिन रात काम करेंगे। और हमें विश्वास है कि जनता हम लोगों को पूरा समर्थन देगी, आने वाली सरकार समाजवादी की होगी, बाबा जी गोरखपुर में जाके दोबारा से अपना घंटा बजाएंगे। अच्छा, जैसे कि